गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीमा एजेंट लाइसेंस की अनुलिपि का निर्गमन। अभी तक हमने देखा है, पिछले क्लासेस में हमने देखा है, लेक्चर्स में देखा है कि बीमा एजेंट को बीमा व्यवसाय करने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बीमा एजेंट प्राधिकरण द्वारा को आवेदन करके लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। एक निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म भर के बीमा एजेंट लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। लाइसेंस बीमा एजेंट को लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात वह बीमा व्यवसाय सुगमता से कर सकता है। कोई भी बीमा एजेंट बिना लाइसेंस के बीमा व्यवसाय का कार्य प्राप्त करने का आग्रह नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीमा एजेंट का जो लाइसेंस होता है वह उसे किसी तरह से गुम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे लाइसेंस की वापस से क्या लेनी होती है, डुप्लीकेट कॉपी लेनी होती है या डुप्लीकेट लाइसेंस को बनवाना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बीमा एजेंट को जो लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी इशू की जाएगी उसके लिए क्या कंडीशंस है, यानी किस कंडीशन में बीमा जो प्राधिकरण है उसको बीमा लाइसेंस की कॉपी जारी करेगा। तो नंबर वन जो कंडीशन हमारे सामने है, बीमा लाइसेंस खो गया, यानी बीमा एजेंट के द्वारा बीमा लाइसेंस अगर खो गया है। सपोज करिए जैसे आपकी मार्कशीट होती है कोई आपसे गिर जाती है या किसी कारण खो जाती है, तो आपको वापस से मार्कशीट की कॉपी निकलवानी पड़ेगी। उसी तरह से बीमा एजेंट का यदि लाइसेंस खो जाता है तो उसे अनुलिपि जारी की जा सकती है। दूसरी कंडीशन जो हमारे सामने आती है वो बीमा लाइसेंस नष्ट हो गया है। नष्ट हो गया का मतलब है फट गया है, या मान लीजिए बिल्कुल फट गया है, कोई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, उसकी जो लिखावट है उसमें सील वगैरह सब फट चुकी है, तो बीमा एजेंट को उन्हें उसके अनुलिपि का निर्गमन किया जाएगा। इसी तरह हम थर्ड कंडीशन देखते हैं तो ये बीमा लाइसेंस कट फट गया। कट फटने का मतलब है बीमा लाइसेंस कट फट गया, उसके टुकड़े हो गए हो, उसमें उसका नाम भी नज़र नहीं आ रहा हो, उसकी फोटो खराब हो गई हो आदि आदि। तो कहने का मतलब है कि तीनों कंडीशन अगर फॉलो होती हैं तो बीमा एजेंट को डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, बीमा एजेंट को डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उस फॉर्म के साथ निर्धारित शुल्क जो है वो जमा करवाना होगा। वर्तमान में ये शुल्क 50 रुपये है। 50 रुपये के साथ में बीमा एजेंट को डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के पश्चात जो प्राधिकरण है वो ये देखेगा कि जो बीमा एजेंट ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो क्या वास्तव में उसका लाइसेंस खराब हो गया है या खो गया है या नष्ट हो गया है, क्या कारण है जिसके कारण उसने उन्हें लाइसेंस कॉपी के लिए आवेदन किया है। तो प्राधिकरण इस बात की जांच प्रदान करेगा, यदि लाइसेंस खो गया है तो वो उससे पूछेगा किस प्रकार खो गया है, सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसी के साथ बीमा लाइसेंस नष्ट हो गया है या कट फट गया है तो कट फट गया उसको देखा जाएगा, और देखा जाएगा कि वास्तव में क्या उस कंडीशन नहीं है कि उसे डुप्लीकेट लाइसेंस इशू किया जाए। इन सभी बातों से संतुष्ट होने के पश्चात बीमा एजेंट को लाइसेंस जारी करने के प्राधिकरण इस बात पर विचार किया करेगा कि उसे लाइसेंस की अनुलिपि जारी कर दी जाए। तो फिर बीमा एजेंट को लाइसेंस की अनुलिपि जारी कर दी जाएगी। लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि जब बीमा एजेंट को लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जाएगी तो उसके ऊपर डुप्लीकेट शब्द का उपयोग किया जाएगा। ऐसा किस कारण किया जाएगा बच्चों, कि जैसे आपने देखा है आज आपकी मार्कशीट खो जाती है, सपोज करिए हमारी मार्कशीट खो गई, गिर गई या कट फट गई, तो हमें क्या करना होता है, पुणे यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना होता है, फॉर्म करना पड़ता है, फीस जमा करवानी पड़ती है, जो शुल्क है, फिर आपको वापस से मार्कशीट जारी कर दी जाती है। लेकिन उस मार्कशीट पर डुप्लीकेट शब्द का यूज़ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट तो खो चुकी है, लेकिन आपको जो पुणे यूनिवर्सिटी निकाल के दी आपके रिकॉर्ड के बिना पर, उस पर डुप्लीकेट शब्द का यूज़ किया जाएगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये मार्कशीट आपकी खो चुकी, उससे पहले जो मार्कशीट खो चुकी है ये आपको पुनः जारी की गई है। तो सही सेम स्थिति कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है कि बीमा एजेंट को भी जो लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जाएगी तो वो तीनों कंडीशन में उसको जारी की गई है, जैसे बीमा लाइसेंस खो गया, उसका बीमा लाइसेंस नष्ट हो गया या बीमा लाइसेंस कट फट गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्राधिकरण उसको बीमा एजेंट को जो लाइसेंस जारी करेगा उस पर डुप्लीकेट शब्द लिखकर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि बीमा एजेंट जो होता है उसे अपना लाइसेंस संभाल के रखना चाहिए, लेकिन यदि वो उसको सही संभाल नहीं कर पाता है, सावधानी से गिर जाता है, खो जाता है, नष्ट हो जाता है या कट फट जाता है, तो वो उसके लिए उन्हें आवेदन करके शुल्क जो 50 रुपये का जो शुल्क निर्धारित है जमा करवा कर लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकता है और अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। और जैसे ही बीमा एजेंट को लाइसेंस की अनुलिपि जारी हो जाती है तो पुनः बीमा व्यवसाय बंद करने का आग्रह कर सकता है, क्योंकि बीमा एजेंट को लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बीमा एजेंट को बिना लाइसेंस के अगर वो बीमा कार्य करता है तो वैध नहीं माना जाएगा। बीमा
व्यवसाय की वजह से तभी मानी जाएगी, मान्य होगी जबकि बीमा एजेंट के पास बीमा करने का लाइसेंस प्राप्त है। और वह लाइसेंस तभी प्राप्त होगा जबकि बीमा एजेंट में ये सभी योग्यताएँ होंगी जो बीमा एजेंट को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि बीमा एजेंट लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी भी प्राप्त कर सकता है, तो उसे केवल जो प्रोसीजर दिया गया है कि उसे को एक फॉर्म भरना पड़ेगा और शुल्क जमा करा के आवेदन कर सकता है और प्राधिकरण संतुष्ट होने पर उसको पुनः डुप्लीकेट शब्द लिखकर नया लाइसेंस जारी कर दिया जाए।